नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक की सभी बड़ी खबरें बताई जाती है। यहाँ पर देश विदेश और सभी राज्यों की खबरें बताई जाएगी। अगर आप भी सभी प्रकार की खबर जानना चाहते हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाले घंटी के बटन को जरूर दबा ले ताकि आने वाले वीडियो की आपको सबसे पहले सूचना मिल सके। आज की पहली ताजा बड़ी खबर आ रही है निर्भया मामले के चारों दोषियों को आज तिहाड़ की जेल नंबर 3 में भेजा जा सकता है, यही होगी उन्हें फांसी। निर्भया मामले में मौत की सजा पाए चारों दोषियों को शुक्रवार को तिहाड़ की जेल नंबर 3 में भेजा जाएगा, जहां उन्हें 22 जनवरी को फांसी दी जाएगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी कि फिलहाल 3 दोषियों को जेल नंबर 2 में और एक को जेल नंबर 4 में रखा गया है। चारों दोषियों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी दी जाएगी। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही, ईरान के खिलाफ कोई बड़ा फैसला डोनाल्ड ट्रंप नहीं ले पाएंगे क्योंकि संसद के निचले सदस्य प्रस्ताव पास हुआ है। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका में चल रहे तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। दरअसल अमेरिकी संसद के निचले सदन ने डोनाल्ड ट्रंप के वार पावर एक्ट के तहत अधिकार सीमित करने वाले प्रस्ताव को पारित कर दिया है। यदि प्रस्ताव उच्च सदन में पास हो गया तो ट्रंप को ईरान पर युद्ध छेड़ने की खुली छूट नहीं होगी। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व विधायक शोएब इकबाल ने थामा आम आदमी पार्टी का हाथ। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मटिया महल के 5 बार विधायक रहे शोएब इकबाल गुरुवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है नागरिकता संशोधन कानून विरोधी मुहिम को तेज करने के लिए सोनिया गांधी ने 13 जनवरी को बुलाई विपक्ष की बैठक है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में सभी दल मिलकर नागरिकता संशोधन कानून NRC से दूसरे मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए आंदोलन से लेकर संसद में हंगामा करने तक की रणनीति को अंतिम रूप देंगे। वही हम आपको बता दें कि पार्टी से मिली खबरों के अनुसार लगभग सभी विपक्षी दलों ने इस बैठक में शामिल होने के लिए अपनी सहमति जताई है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वाम दलों से नाराजगी के कारण बैठक में शिरकत न करने की जिद पर अड़ गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ममता बनर्जी को मनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए ताकि विपक्षी दलों की इस बैठक में हिस्सा ले सके। पार्टी ममता बनर्जी को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि उनकी गैर मौजूदगी से विपक्षी एकता को ज्यादा धक्का लग सकता है, वहीं दूसरी जगह इसका संदेश भी नकारात्मक जाएगा। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है जनगणना की प्रक्रिया के दौरान शौचालय टीवी निजी वाहनों और मोबाइल नंबरों की भी देनी होगी जानकारी। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहे जनगणना के एक चरण के दौरान अधिकारी घर के मुखिया के मोबाइल नंबर, शौचालय के बारे में जानकारी, टीवी, इंटरनेट, निजी वाहनों, पेयजल के स्रोतों सहित विभिन्न जानकारियां मांगेंगे। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है JNU कुलपति को हटाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे छात्र, पुलिस ने लिया हिरासत में। अंबेडकर भवन के पास पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। वो विश्वविद्यालय के कुलपति को हटाने की मांग करते हुए राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च कर रहे थे। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है प्रियंका गांधी आज वाराणसी दौरे पर रहेगी, नागरिकता संशोधन कानून के दौरान गिरफ्तार लोगों से करेगी मुलाकात। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जाएगी। वह नागरिकता संशोधन कानून के विरोधी प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार कुछ लोगों से मुलाकात करेगी। सूत्रों के मुताबिक उनका सिविल सोसाइटी के कुछ लोगों और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कई छात्रों से मुलाकात का कार्यक्रम भी है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है भारतीय मौसम विभाग से, पहाड़ों पर बर्फबारी से कई राज्यों में ठंड बढ़ गई है। अगले 48 घंटों में गिरेगा तापमान, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड में इजाफा हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान की ताजा भविष्यवाणी के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान शनिवार रविवार को फिर से दिल्ली में बारिश हो सकती है। ऐसे में दिल्ली NCR के साथ पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दक्षिण हरियाणा में ठंड में थोड़ा इजाफा हो सकता है और आने वाले दिनों में ठंडी हवा का कहर और बढ़ने का अनुमान है। वही ठंड और कोहरे के चलते दिल्ली आने जाने वाली 23 ट्रेनें देरी से चल रही है। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 48 घंटों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR के कुछ क्षेत्रों में बारिश और शीतलहर चलने की संभावना है।